शिमला जिला के रामपुर के समीप दत्तनगर में बाल विकास विभाग की ओर से पोषण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 366 आंगनवाड़ी केंद्रों से आई कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक एवं विलुप्त प्राय अनाजों से बनाए हुए पकवानों की प्रदर्शनी की। उन्होंने लोगों को बताया कि पारंपरिक अनाजों में कितनी पौष्टिकता और औषधीय गुण होते हैं। समारोह का विधिवत शुभारंभ हिमाचल महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पोषण से संबंधित हस्ताक्षर अभियान से की गई। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए विभिन्न व्यंजनों के फूड स्टॉल का मुख्य अतिथि ने अवलोकन किया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण से भरपूर पारंपरिक अनाजों से बने घरेलू पकवानों की प्रदर्शनी लगाकर ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया कि इन पकवानों में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और ये पकवान गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए कितने स्वास्थ्यवर्धक हैं, उसके बारे में सबको जानकारी हो। ये जागरूकता का एक बड़ा बहुत बड़ा अभियान है, ये पूरे राष्ट्र में चल रहा है और उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी चल रहा है और इसी श्रृंखला में आज मैं यहाँ पे आई हूँ। हमारे अनेक प्रोग्राम इससे पहले भी हो चुके हैं, तो ये जन जन तक जागरूकता लानी है कि किस प्रकार का पोषण हमारे शरीर को चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, आने वाली जो हमारी संतान है वो किस प्रकार से हृष्ट पुष्ट हो, क्योंकि संतुलित आहार मिलेगा तो उनका जो मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा और शारीरिक भी, तो एक जो है पूरी उनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी रहेगी और एक बैलेंस्ड ग्रोथ जो हमारे बच्चों की होगी। और उसी प्रकार से हज़ार दिन का जो एक ये प्रोग्राम है उसमें माता भी जो है जो जिस जो गर्भावस्था में है, जो जिसका गर्भ धारण करके जो महिला है उसका बच्चा उसके गर्भ में भी स्वस्थ रहे और जब वो 2 साल तक का होगा तब तक भी उसका पोषण जो है वो अच्छा रहे, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी ये जो पौष्टिक आहार है उन तक पहुँचाया जाता है सरकार द्वारा, तो इसकी जागरूकता के लिए आज हमने कार्यक्रम किया है। जैसा कि पोषण माह के दौरान जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमने विभाग की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने जो पारंपरिक परंपरागत हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको जो एक लुप्त होने की एक परंपरा सी बन गई है उनको हम दोबारा लोगों के सामने लाए, ताकि हमारी जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और हमारे में जो अनिमिया ज़्यादा बढ़ रहा है उसको हम दूर कर सकें, और साथ ही साथ हमारे जो जितने भी ये आज स्टॉल लगाए जा रहे हैं ये हमारी कोशिश ये है कि हम हर ब्लॉक में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें जिसमें हमारे स्थानीय हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये सारे स्टॉल लगाए हैं। ये ननखड़ी और रामपुर का मिला जुला यहाँ पे एक प्रयास है जिसके अंतर्गत लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर हमने कुपोषण को दूर करना है तो हमारे जो परंपरागत खाद्य पदार्थ हैं उनका हमने सेवन करना है, और साथ ही साथ लोगों को ये जानकारी देनी है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारी जितनी भी सेवाएं हैं उनको लें, वो बच्चों का वजन कराएं और कुपोषण मुक्त भारत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है और जो भी वहाँ पर उनका ट्रेडिशनल फूड है उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो ये विलुप्त हो रहा है जो भी ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है उसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये कितना पौष्टिक है और स्वादिष्ट, इसको हम किस तरह से जो है वो स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। जैसे किसी ने लौकी के लड्डू बनाए हैं, किसी ने चुलाई के लड्डू बनाए हैं, तो अनाज को और जो भी न्यूट्रिशन सब्जी है कोई भी फूड है उसको किस तरह से जो है वो बच्चे को टेस्ट में भी अच्छा लगे और वो पौष्टिकता से भी भरपूर रहे, तो बाज़ार के फूड आइटम को हटाकर घर पे हम एक पहल करना चाह रहे हैं कि घर पर इन सब चीज़ों को बनाने का प्रयास करें।